हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जिला हमीरपुर में वन स्टॉप सेंटर सखी की शुरुआत की गई है। यह जिला हमीरपुर में पहला वन स्टॉप सेंटर है जिसमें पीड़िता को एक ही छत के नीचे मेडिकल, लीगल, मनोवैज्ञानिक और साथ में पुलिस की सहायता 24 घंटे सातों दिन निःशुल्क दी जाती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हमीरपुर एचसी शर्मा ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा में शिकार महिला को अस्थायी रूप से 5 दिन वन स्टॉप सेंटर में आश्रय देने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। हमीरपुर में इस वन स्टॉप सेंटर में अब तक 9 महिलाओं की सहायता की जा चुकी है। यदि आवश्यकता हो तो 5 दिन पूरे होने के पश्चात पीड़िता को शिमला जिले के मशोबरा में नारी सेवा सदन भेजा जा सकता है। हमारे हमीरपुर जिला में वन स्टॉप सेंटर 2 वर्ष पूर्व जो है वो स्थापित हुआ था और आज तक जो है इसमें 9 मामले जो है जो घरेलू हिंसा या किसी तरह से महिलाओं के साथ है वो आए थे। और जो वन स्टॉप सेंटर के स्थापना के बारे में है, इसमें एक्चुअली जो महिलाएं किसी भी घरेलू हिंसा या किसी और वजह से जो पीड़ित है, परेशान है, तो ऐसी महिलाओं के लिए एक टेम्परेरी आश्रय है जो 5 दिन तक जो है वो वहाँ पे मुफ्त में उनका रहना खाना जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, इन महिलाओं को जो है वो हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो है स्पेशलाइज्ड स्टाफ है, एक केंद्रीय प्रशासक का पद है और इसके अलावा काउंसलर वहाँ है, लॉयर वहाँ पे है, केस वर्कर वहाँ है। तो इन महिलाओं को ना केवल परामर्श दिया जाता है बल्कि जो इनको जैसे इनकी चिकित्सा से संबंधित कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना, ये भी मतलब उनका मतलब उनके सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। और वन स्टॉप सेंटर में जो हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के अलावा कानूनी सहायता की जहाँ तक बात है, पुलिस सहायता की बात है, तो उसमें भी मदद की जाती है कि महिलाएं जो है अगर घरेलू हिंसा की शिकार है तो उनको मुकदमे में मदद हो, कोर्ट में हो तो उसका केस तैयार करना, तो ये भी मदद जो है उनको दी जाती है। अगर महिलाएं इन 5 दिनों में उनका कोई आश्रय या कुछ और ना हो पाया या तो उनको फिर नारी सेवा सदन के लिए भी भेजा जा सकता है। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।